हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छोटू दादा कौन है और क्यों प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे। क्या आपको इनका रियल नाम पता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं पता है तो आगे के इस वीडियो में जान ही जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छोटू दादा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, छोटू दादा एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर नहीं बड़ा यूट्यूबर है। ये खान देसी मूवी चैनल के लिए काम करते हैं। ये एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 3-4 चैनल चलाते हैं। छोटू दादा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ दूसरे प्रोडक्शन में काम भी करते हैं। इनकी मंथली इनकम की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए बताई जाती है, और अगर इनकी कुल संपत्ति की अगर बात की जाए तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी लंबाई कम होने के कारण वे बहुत ही निराश रहते हैं। इनकी लंबाई की अगर बात की जाए तो लगभग 4 फीट है। जी हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि छोटू दादा की बात कर रहे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर बहुत ही नाम कमाए हैं। छोटू दादा का असली नाम शफीक नाटिया है। शफीक की हाइट केवल 4 फीट है, लेकिन शफीक ने लंबाई में 4 फीट होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा नाम कमाए हैं। शफीक के वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखते हैं। हर कोई छोटू दादा की कॉमेडी का दीवाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, छोटू दादा की कॉमेडी वीडियो आते ही यूट्यूब पर तहलका मचा देती है और सिर्फ कुछ ही देर में मिलियंस में व्यूज आते हैं। इसलिए छोटू दादा की शानदार कॉमेडी और छोटू दादा के लिए छोटू दादा जो कि मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, हाल ही में छोटू दादा का एक लड़का हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, छोटू दादा की शादी हो चुकी है और इनकी पत्नी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। इनकी पत्नी का हाइट भी छोटू दादा की हाइट जितनी ही है। छोटू दादा ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी प्रशंसकों को जानकारी दी है, और जहां छोटू दादा 4 फीट के हैं, वहीं उनकी पत्नी की लंबाई भी करीब 4 फीट है। आप इन तस्वीरों में छोटू दादा की पत्नी को देख सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।